श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड है बाल कांड, और गोस्वामी जी ने लिखा बाल कांड प्रभु पाय। बाल कांड मेरे राघव जी के चरण है। अयोध्या कटि मनमोह है, कटि प्रदेश जो कमर का हिस्सा है मेरे ठाकुर जी का, जो कटि भाग है, ये श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड है, यानी कि श्री अयोध्या कांड। उदर बन्यो आरण्य, उदर कहते हैं पेट के भाग को। श्री रामचरितमानस का तृतीय कांड है अरण्य कांड, और ये मेरे राघव जी का उदर भाग है। हृदय किस किंधा सो है, श्री रामचरितमानस का जो चतुर्थ कांड आया श्री किष्किंधा कांड, ये मेरे राघव जी का हृदय स्थल है। सुंदर ग्रीव, मेरे राघव जी की जो ग्रीवा है ये श्री सुंदर कांड है। आगे लिखा मुखार बिंद लंका, राघव जी के मुखार बिंद है, ये श्री लंका कांड है। और अंततः गोस्वामी जी सप्तम सोपान के विषय में कहते हैं मस्तक उत्तर कांड शुचि यह विधि तुलसी दास भन। मेरे राघव जी का जो ललाट प्रदेश है, जो मस्तक है, ये है श्री उत्तर कांड, यानी कि श्री रामचरितमानस का सप्तम सोपान। गोस्वामी जी ने कहा इस प्रकार आदि अंत लव देखिए श्री मन मानस राम तन। भगवान के नख से लेके शिख तक के जो भाग आए, यही श्री रामचरितमानस के एक एक सोपान है, एक एक कांड है, ऐसा वर्णन मेरे गोस्वामी जी ने किया। और हमारा आपका सभी का परम सौभाग्य कि ऐसे ग्रंथ के दर्शन प्रसन्न का लाभ हमें और आपको हमारे जीवन में श्री तुलसीदास जी महाराज की कृपा से नित्य प्रति सुलभ हो पाता है। हम और आप कौन सी कथा सुनने बैठे हैं, इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये कौन सी कथा है, गोस्वामी जी ने लिखा छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इस श्री रामचरितमानस में ये चीजें समाहित हैं, सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का रस निचोड़ कर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के भीतर भरा है। अब ये रस का तात्पर्य क्या है, एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जैसे कुछ फल हों जिसे हम अपने संतत्व की भाषा में, साधु स्याही भाषा में जिसे कहा जाता है अमनिया करना, और हम लोक व्यवहारिक भाषा में कहते हैं फल काट करके रखे, और संतों की जुबानी से उसे अमनिया करना कहते हैं। जैसे संत, जैसे कुछ फल हैं आपने उन्हें अलग अमनिया करके, या आपकी भाषा में कहूँ काट कर एक प्लेट में रखा है, आम है, अंगूर है, केले हैं, संतरे हैं, जो भी चीज़ है, सारे फ्रूट्स एक प्लेट में आपने रखे, और एक ग्लास में आपको सारे फलों का रस यानी कि मिक्स्ड जूस बनाकर दिया जाए, आपको आसानी कौन सी चीज लेने में लगेगी? दोनों आपके सामने पेश किए जाएं, कहा जाए आप दोनों में से कोई भी एक ले लो। अगर 100 लोग होंगे तो 100 में से 90 से 80% लोग कहेंगे भाई कौन इतना खाने पीने में टाइम वेस्ट करेगा, ग्लास उठाओ पियो, बात तो एक ही है, पीना सरल पड़ेगा, चबाना, उसको खाना, वो मेहनत का काम लगता है। और एक बात, मैंने फल तो एक बहुत साधारण सी चीज़ कही, अगर आपके सामने ड्राई फ्रूट्स रख दिए जाएं, बादाम हो और ऐसे कोई कड़े कड़े से फल हो, एक ना उसे बिना दांत का बच्चा खा पाएगा, ना बिना दांत का कोई वृद्ध खा पाएगा, दोनों के लिए कठिन होगी वो चीज़, होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर उसी ड्राई फ्रूट्स को आप किसी दूध में डालकर किसी को भी दे दो तो बच्चा भी पी सकता है और बूढ़ा भी ले सकता है। ये दांत क्या है, एक चीज को इस अर्थ से समझिएगा, इसको अगर मैं अपने संतों के निवेदन से कहूं, युवा अवस्था के लोग तो बड़ी आसानी से ले लेंगे, पर इन दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को हम एक दूध के भीतर डाल के देते हैं तो ये तीनों श्रेणी के लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा। गोस्वामी जी ने भी यही कार्य किया है।
इस श्री रामचरित मानस को केवल ज्ञानी से ज्ञानी ना प्राप्त कर सके, छोटे से छोटा पांडाल में मंच पर के समीप बैठने वाला बच्चा भी इसे प्राप्त करे, बड़े से बड़ा विद्वान भी प्राप्त करे, हर एक श्रेणी के लोगों की समझ में यह कथा आए, इस विचार से गोस्वामी जी ने इसकी रचना की है। इसमें सभी शास्त्रों का रस है। इतनी सुगमता से गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को हमारे समक्ष समुपस्थित किया है। अब एक विषय यह है कि इस श्री राम कथा की रचना किसने की। श्री रामचरित मानस के रचनाकार तो हैं श्री तुलसीदास जी महाराज, पर राम कथा की रचना करने वाले हैं हमारे भगवान शिव शंभु। भगवान शंकर ने यह कथा की रचना की, मन में धारण किया, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ही पड़ा श्री रामचरित मानस। किस प्रकार से हुआ, गोस्वामी जी ने लिखा। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजीर समक्ष
चौपाइयाँ रखी। इन चौपाइयों के मध्य इस बात का वर्णन है कि श्री राम कथा प्रारंभ कहाँ से हुई, फिर कहाँ कहाँ किन किन तक ये राम कथा पहुँची, ये आगे क्रमबद्ध तरीके से कैसे पहुँची है, इसका वर्णन इन चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी जी ने किया। सबसे प्रथम में लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने श्री राम कथा की रचना की, हृदय में धारण किया, और ऐसा नहीं कि रचना करने के बाद तुरंत किसी को सुना दिया। कब सुनाया? पाई सुसमय, सुंदर समय देखा, योग्य समया अनुसार ये कथा माँ भवानी के समक्ष सुनाई है। अब एक चीज़ ये भी समझिएगा, ये श्री राम कथा सभी को सहज सुलभ नहीं होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मारग सोई। जिस पर भगवान की कृपा नहीं अति कृपा होती है, वो इस कथा प्रांगण की ओर अपने कदम बढ़ा पाता है। वो क्या बढ़ाता है? भगवान बढ़वा के लाते। स्वयं किसी की सामर्थ्य नहीं है कि ना मेरी सामर्थ्य है कि मैं यहाँ आकर बोल सकूँ, ना आपकी सामर्थ्य है कि आप यहाँ आकर अपनी इच्छा से सुन सकें। यहाँ पर बैठकर कहने वाला भी वो है और समक्ष बैठकर सुनने वाला भी वही है। आप आए हैं प्रभु की कृपा से, मैं गा रही हूँ प्रभु की कृपा से। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, जिस पर राघव जी की अति कृपा हो। गोस्वामी जी ने लिखा, सोई शिव काग भुसुंड ही दीना। वही कथा जिस कथा को रचकर बाबा ने हृदय में धारण किया था, वही कथा दी गई है किसे? हमारे श्री काग भुसुंड जी महाराज को। श्री राम कथा के एक वक्ता नहीं है, वक्ता का तात्पर्य कथा कहने वाला, श्रोता का तात्पर्य कथा सुनने वाला। श्री राम कथा के चार वक्ता हैं और चार श्रोता हैं और चार स्थान है जहां चार जगह पर यह कथा गाई गई। चार स्थान है, चार वक्ता कौन है, चार श्रोता कौन है, प्रथम इस पर चर्चा करते हैं। रचना की है भगवान शंभु ने, सुनाया है माँ भवानी को, ये है श्री राम कथा के पहले वक्ता और श्रोता। आगे यह कथा भगवान शिव ने काग भुसुंडी जी को दी, काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है। गरुड़ जी को अभिमान हुआ था, आपने शायद पाठ किया होगा श्री रामचरितमानस में तो देखा हो, या फिर लीलाओं में देखा होगा, या टीवी पे भी देखा होगा रामायण के अंतर्गत। गरुड़ जी को अभिमान हुआ था, किस बात का अभिमान? जब लंका का युद्ध चल रहा था, राघव जी भैया लक्ष्मण ये दोनों नागपाश से बंधे, जब ये दोनों बंधे, अब भगवान नागपाश में बंधे हुए हैं, संसार को बांध बंधन से मुक्त करने वाला खुद बंधन में। नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी से कहा, भगवान बंधे हैं, जाकर छोड़ कर आइए, सर्प तो आपका आहार है, आप आसानी से उन्हें इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं, नागपाश है। गरुड़ जी पहुंचे, राम जी को तो बंधन से खोल दिया, पर खुद बंधन में बंध गए। कौन से बंधन में? गरुड़ जी सोचने लगे, ये भगवान है, अगर ये भगवान है तो भला भगवान को मैंने खोला, ये भगवान नहीं हो सकते। गरुड़ जी की बुद्धि धोखे में आ गई, भगवान भी भला बंधेंगे और बंधेंगे तो उन्हें मैं खोलूंगा, ये भगवान नहीं है। नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी से जाकर कहा, कौन थे वो, किसके पास भेजा था आपने मुझे, कौन थे वो दोनों? नारद जी ने कहा, आपको भी पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? जो मुझे पकड़ा था। पर क्या? अरे मोह, आप भी प्रभु की लीला में फंस गए। भगवान की उस लीला को देखकर आप भी ना समझ पाए कि ये सब लीला है, आप भी मोह के माया के चक्कर में फंस गए।
अब इलाज कैसे होगा, बीमारी है तो इलाज भी जरूरी है, बीमार व्यक्ति कितने दिन बचेगा, तो अब इलाज कौन करेगा। नारद जी ने कहा मेरे पास नहीं है, तो किसके पास है। अब गरुड़ जी महाराज गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास, पितामह मेरी समस्या का समाधान करिए, एक बात बताइए, जिनको मैंने खोला भला वो भगवान हो सकते हैं क्या, कौन थे वो भगवान तो नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी ये ऐसी बीमारी है इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, तो किसके पास है, भगवान शंकर के पास जाइए वो बढ़िया इलाज करते हैं इस बीमारी का, मेरे पास नहीं है। अब ये बीमारी कौन सी है, ये है मोह की बीमारी, प्रभु पर शंका करने की बीमारी, और सारी दुनिया में हर चीज का समाधान है पर शंका का कोई इलाज नहीं होता है। अब ये पहुंचे गरुड़ जी महाराज जा रहे तो भगवान शंकर के पास, पर भगवान शंकर कैलाश से निकल चुके थे, जा रहे थे कुबेर जी के यहाँ, रास्ते में मिल गए गरुड़ जी से। गरुड़ जी ने कहा महादेव बीमारी से ग्रसित हूँ, मेरी समस्या का समाधान करिए, कोई इलाज नहीं कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा आप मुझे आधे रास्ते में मिले हो, अब आधे रास्ते में कौन सी दवा दे दूं आपको। और सुनिए गरुड़ जी आपकी समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं होगा, बीमारी बड़ी है और जब बीमारी बड़ी हो जाए तो दवा भी लॉन्ग टर्म की लेनी पड़ती है। जब लंबी दवा खाएंगे, लंबे समय तक औषधि लेंगे तो ये लंबी बीमारी खत्म होगी, और मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको इतना समय दे सकूं, पर हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे इसी का इलाज होता रहता है, वो कौन सी जगह है। गरुड़ जी से महादेव ने कहा आप चले जाइए नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ कौन है। गरुड़ जी ने पूछा वहाँ कौन रहते हैं, महादेव ने कहा वहाँ पर रहते हैं श्री कागभुसुंडी जी, और कागभुसुंडी जी के पास इससे उनके पास और कोई दूजा कार्य है ही नहीं, वो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर राम कथा गाते रहते हैं और अनेक प्रकार के पक्षी वहां पर आकर राम कथा को सुनते रहते हैं। आप भी चले जाओ आपकी बीमारी का इलाज वहीं मिल जाएगा आपको। गरुड़ जी महाराज अब चले, गरुड़ जी से कहा गया है तब ही हुई सब संशय भंगा, तब ही हुई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, देखी परम पावन तब आश्रम, देखी परम पावन आश्रम, गय मोह संशय नाना भ्रम, गय मोह संशय संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। गरुड़ जी से कहा गया आपका संशय तब भंग होगा जब लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे, और मैं लंबा समय दे नहीं पाऊंगा, तो जहां पर 24 घंटे मात्र एक कार्य है, कौन सा, सत्संग का कार्य, आप वहीं चले जाइए। अब गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं नीलगिरी पर्वत पर जहां पर कागभुसुंडी जी हैं। अच्छा गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं, जैसे ही गरुड़ जी आते दिखाई दिए उस
क्षेत्र में जहाँ पर भगवान श्री ये काकभुसुंडी जी महाराज भगवान की कथा गाते थे, उस स्थान के पास पहुँचते ही गरुड़ जी का संशय मोह भंग हो गया। स्वयं यहाँ पर कहा गरुड़ जी से, गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से कहा, हे काकभुसुंडी जी, मैं जिस कारण से आया था, सत्य कहूँ ना तो मेरा वह मोह मेरा संशय तो भंग हो ही गया। आपके इस स्थान के प्रभाव मात्र से मेरी सारी शंकाएं मिट गई। और जब स्थान का इतना प्रभाव है तो इस स्थान पर बैठकर अगर मैं राम कथा सुनूंगा तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा, आप कृपा करके मुझे राम कथा सुनाएं। ये है श्री राम कथा के दूसरे वक्ता और दूसरे श्रोता। पहला स्थान था कैलाश, जहां पर माँ भवानी कथा सुन रही हैं। दूसरा स्थान है ये नीलगिरी पर्वत, जहां पर श्री गरुड़ जी कथा सुन रहे, काकभुसुंडी जी कथा गा रहे हैं। अब आती है तीसरे स्थान की चर्चा, तीसरे वक्ता और तीसरे श्रोता। तीर्थराज प्रयाग का नाम आप सभी ने अवश्य सुना होगा, जहां पर आज भी मेला लगता है। माघ के समय में स्नान का बड़ा महत्व है। तीर्थों के राजा कहे जाते हैं प्रयागराज। ये प्रयागराज में माघ का ही मेला लगा हुआ था। सभी संत यहाँ पर आते हैं, माघ के उस समय में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में पुण्य अर्जित करते हैं। सभी संत जन आए, सभी संत आए स्नान। उन्हीं में पधारे हुए थे श्री याज्ञवल्क जी, जिनको श्री रामचरितमानस में जाग बलिक कहा गया है। अब जाग बलिक क्यों कहा गया, क्योंकि याज्ञवल्क कहना थोड़ा टेढ़ा पड़ता है, तो गोस्वामी जी ने हमारे आपकी सरलता के लिए याज्ञवल्क का जाग बलिक किया कि हमारे आपके बोलने में सुविधा हो। श्री याज्ञवल्क जी महाराज भी आए थे स्नान हेतु। जब स्नान आदि करके अपने आश्रम को जाने लगे, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लिए। क्यों पकड़े, आप मत जाओ, सब चले जाएं पर आप रहिए। क्यों रहिए, क्योंकि प्रभु मुझे ना मेरे मन में एक शंका है और उसका मुझे समाधान चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर सिर्फ आपके पास है। श्री याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी ने एक प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था उसकी चर्चा आगे करूं। फिलहाल ये समझिए कि ये तीसरे वक्ता और श्रोता हैं श्री राम कथा के। कथा कहने वाले वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क जी, कथा सुनने वाले श्रोता के रूप में बैठे श्री भरद्वाज जी, और स्थान है तीर्थराज प्रयाग। अब चौथी बात, चौथे वक्ता और चौथे श्रोता। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये कथा मुझसे पहले जितने लोगों ने कही और मुझसे पहले जितने लोगों ने सुनी, वो सारे लोग एक मन मस्तिष्क को धारण करने वाले थे, एक विचारधारा के थे। मतलब कि कथा कहने वाला जितना भगवान के चरणों का प्रेमी था, कथा सुनने वाला भी उतना ही प्रेमी था, वो भी उतना ही ज्ञानी था। तो जब दो एक विचारधारा के लोग मिले तो कोई बात कहने समझने में आसानी होती है। गोस्वामी जी ने कहा, लेकिन जब ये कथा मेरे पास आई ना तो सारा कुछ उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया, गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि ना तो मैं ज्ञानी था ना तो मैं समझदार था, मैंने कभी यह कथा सुनी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैंने यह कथा सुनी सूकर खेत नाम के क्षेत्र में। किससे सुनी, मेरे गुरु जी ने मुझे ये कथा सुनाई। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, ये कथा सो सूकर खेत, पर समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। मैंने ये कथा जब सुनी, मैं छोटा था, समझदार भी नहीं था कि कथा के महत्व को समझ सकूं।
तो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया तो, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने सुना तो पर समझा नहीं। अब हम आप सोचेंगे अगर गोस्वामी जी ने समझा नहीं तो लिखा कैसे, अगर समझे ही नहीं तो लिख कैसे दिया। गोस्वामी जी ने कहा, मैं भले नहीं समझ रहा था, मैं भले अज्ञानी था, पर मेरे गुरु जी ने ये कथा सुनाना बंद नहीं किया, बार बार सुनाया। तदपि कही गुरु बार ही बारा। बार बार जब एक चीज़ को आप सुनाते रहिए ना पूरा सही, थोड़ा तो दिमाग में बैठेगा ही। गोस्वामी जी ने भी यही बात कही। मेरे गुरु जी ने जब बार बार सुनाई ये कथा, तब समझी परे उ कछु मति अनुसारा। तब मुझे मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा समझ में आया, और जो थोड़ा सा समझ में आया, भाषा बद्ध करब में सोई। उसी थोड़े से को मैं भाषाबद्ध तरीके से संग्रहित करके इस राम कथा का गायन करूँगा। चौथे वक्ता हैं गोस्वामी जी महाराज। अब सुनने वाला श्रोता कौन, कह लीजिए तो गंगा के तीर पर बैठकर कथा गा रहे हैं, तो गंगा मैया भी एक वक्ता हैं, संत समाज भी एक श्रोता है, गंगा मैया भी एक श्रोता हैं। और या तो अगर गोस्वामी जी के शब्दों में कहूँ तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी ने अपने अंतःकरण की शांति के लिए इस कथा का गान किया है, तो गोस्वामी जी का अपना मन भी एक श्रोता है, और स्थान है वह गंगा का किनारा। ये है श्री राम कथा के चार वक्ता और चार श्रोता। और आज ये हम और आप जहाँ पर बैठकर, ये शिव मंदिर का क्षेत्र जहाँ पर बैठकर हम श्री राम कथा का गान करेंगे, ये आज से पांचवा घाट बनेगा श्री राम कथा का, जहाँ पर वक्ता के रूप में प्रभु ने मुझे प्रेरित किया, श्रोता के रूप में कथा श्रवण करने आप बैठे हैं। तो ये जो स्थान होगा ये प्रेम घाट होगा, जहाँ पर हम 9 दिनों तक प्रभु के प्रेम पर चर्चा करेंगे, राघव जी की भक्ति के विषय में चर्चा करें।